हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आपका भाई एकदम रेडी हो चुका है अपना बैग वगैरह लेके, और भाई अतुल भैया बाहर खड़े हुए हैं मुझे लेने के लिए आए हुए हैं। तो मैं और आदित भैया, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं पिछले ब्लॉग में बता चुका हूँ कि दिल्ली जा रहे हैं, तो फटाफट निकलते हैं भाई। 9 बजे की ट्रेन है हम लोगों की रात में, और 6:27 हो चुके हैं। पर कब आपसे ट्रेन मिलेगी, तो फटाफट चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई मैं और भैया बस से जा रहे हैं फरकाबाद तक। भाई फरकाबाद से ट्रेन है कितने बजे? 9:45 पे है भाई। तो अभी बस से जा रहे हैं, ये बस है, और इसी से फरकाबाद तक जाएंगे, और उसके बाद फिर टैक्सी वगैरह लेके उससे फिर जाएंगे हम लोग रेलवे स्टेशन तक, फिर वहाँ का आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई फरकाबाद स्टेशन पहुँच चुके हैं, ये देख लो भाई, ये है फरकाबाद स्टेशन। भैया आगे जा रहे हैं, वो देखो बैग टांगे हुए, तो फटाफट चलते हैं टिकट लेते हैं। ये देखो भाई, ये यहाँ से ले रहे हैं भाई टिकट, खड़े हुए हैं, ये है भाई टिकट काउंटर पूरा। तो भाई टिकट ले ली है और ट्रेन वो खड़ी है हम लोगों की उस साइड, तो अभी इस पे चल के जा रहे हैं उस साइड पे, वहाँ पे उतरेंगे और ट्रेन में बैठेंगे। बाकी भाई भीड़ इतनी ज़्यादा है ट्रेन में, बता नहीं सकते हैं, मेरे को तो लग रहा सीट मिलेगी ही नहीं। भैया बोल रहे खड़े होने की भी जगह मिल जाए तो बहुत है। ये देख लो भाई, ये ट्रेन है और इसमें इतनी ज़्यादा भीड़ है। ये तो भाई रिजर्वेशन वाले डब्बे हैं, आगे चल रहे हैं जनरल में। तो भाई हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, और पता बैठे कहाँ पे हैं? गेट के पास में, गेट बंद करके बैठे हैं क्योंकि जगह है नहीं, और डायरेक्ट ऐसे ही प्लान बन गया सीधे चले जाए, आज ही प्लान बना, तुरंत ही निकला है वहाँ से 1-1.5 घंटे के बीच में। तो रिजर्वेशन तो करा नहीं सकते थे, और जनरल वाले बॉक्स में इतनी ज़्यादा भीड़, भाई खड़े होने की जगह नहीं। तो स्लीपर वाले जो होते हैं ना, स्लीपर वाले, उसमें बैठे हुए हैं हम और भैया, और यहाँ देखो ज़मीन पर बैठे हैं आराम से। तो भाई अब खाना खाएंगे, उसके बाद आपको स्लीपर बॉक्स दिखाएंगे, मतलब कितने बड़े हैं ना वो पूरा आप लोगों को फिर दिखाते हैं। तो भाई अब हम लोग खाना खा रहे हैं, ये देखो अपना लेके आए थे साथ में, भाई खाना खा रहे हैं, ये भी दिखाना जरूरी है भाई, दिखाना पड़ता है सब। क्या बोलेगी मेरी पब्लिक, ऑडियंस क्या बोलेगी, भूखे चले गए दिल्ली तक? नहीं भाई भूखे नहीं गए, खाना खा रहे हैं, खाना लेके आए थे, भाभी ने बना के रखा था। देख लिया करो कहाँ बैठे हैं, कहाँ भाई कहीं भी बैठे हैं, मजबूरी है, जाना है दिल्ली तक तो जाना है, कैसे भी जाए। भाई खाना वगैरह खा लिया था, और अभी मैनपुरी स्टेशन पे खड़े हैं, ये देख लो भाई ये पीछे मैनपुरी स्टेशन। बाकी भाई को नींद लग रही है, बोल रहा है सोने के लिए, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देख लो भाई ये है मैनपुरी स्टेशन, और ये देखो लिखा है मैनपुरी जंक्शन, ठीक है ये है भाई। बाकी भीड़ देख रहे हो यहाँ पे भी, भाई भीड़ बहुत तगड़ी हो रखी है, सब जगह भीड़ है, ये देखो हर स्टेशन पे भीड़ देखने को मिल रही है, इस वाले पे भी है। भाई ये चीज़ तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इतने लोग जाते कहाँ हैं। बाकी अभी मैं सोच रहा हूँ कि अब की बार ट्रेन स्टार्ट हो उसके बाद आप लोगों को स्लीपर बॉक्स जो होते हैं, स्लीपर डिब्बे, वो दिखाता हूँ। बाकी भाई मैं पता क्या बताऊँ आप लोगों को, जनरल की टिकट ली, स्लीपर में चढ़ गए, अब ये सोच रहे हैं कि टीटी वगैरह अगर आया तो क्या होगा। अब भाई घर, अब भाई घर वाले वीडियो देखेंगे तो घर वाले चिल्लाएंगे, और कि तुम जब तुम्हारे पास टिकट थी जनरल की तो जनरल में जाने, जनरल में जा नहीं सकते थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो कैसे चले जाते जनरल वाले में। इस वजह से भाई स्लीपर में जगह मिली थी, अभी गेट खोल लिया है, बाकी गेट बंद किए यहीं पर हम लोग बैठे हैं, ये बैग रखा है इधर, और यहीं पर आराम से बैठे हुए थे। भाई देख लो ये हैं स्लीपर डब्बे, इसमें सारी सवारियाँ देखो सो रही, केवल भाई सोने के लिए ही है। और ये सभी भाई जो भी लोग देख रहे हो ना आप, ये सब हमारे जैसे ही हैं जनरल वाले, और इसमें आए हुए हैं स्लीपर में, क्योंकि ये स्लीपर वाली हैं सारी। भाई बहुत लंबा है आगे तक है पूरा, आगे तक है पूरा, कई सवारियां हैं भाई, मजबूरी है क्या करें, इतनी भीड़ होती है, मजबूरी में ऐसे आना पड़ता है। देख रहे हैं हर ट्रेन इतनी भर के चल रही है, आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भर के चल रही है हर ट्रेन। ये आगे रिजर्वेशन वाले डिब्बे, एसी वाले जो है ना, तो बाकी जनरल वाले देख ही लिए पहले कितने ज़्यादा भर के चल रहे थे, ऐसे ट्रेनें भर भर के चल रही हैं भाई। और पता नहीं इतने लोग रात में जाते कहाँ पे, उसको रात अभी 12:08 हो रहे हैं, और इस टाइम पर इतनी ज़्यादा ट्रेनें, मतलब रास्ते में इतनी ट्रेन मिल चुकी हैं हमको, लगभग 4-5 मिल चुकी हैं, सारी भर भर के चल रही हैं। एक उधर चल रही थी, एक इधर अभी फोजाबाद में ही है हम लोग, और एक उस साइड पे वो रुकी हुई है, इससे निकलने के बाद आप लोगों को पता चलेगा। आवाज़ ही कैसी
तगड़ी आवाजें आती हैं भाई भाई। आज पता चल रहा है ट्रेन का कितना कैसे हम लोग जा रहे हैं। एक देखो वो उधर रुकी हुई है, वो देख रहे हो, एक वो रुकी हुई है, एक चली गई और एक ये निकल के गई अभी। भाई लोगों की हालत देखो कैसी हो चुकी है, सब ऐसे ही जगह बेरिए पे सो रहे हैं, देख रहे हो। ये सब भाई हमारे जैसे ही लोग हैं, जनरल वाले स्लीपर में पड़े हुए, ऐसे ही हम भी बैठे जैसे भैया बैठे हुए हैं सो रहे हैं देखो। तो भाई फाइनली दिल्ली पहुंच चुके हैं, जस्ट अभी ट्रेन से उतरे हैं और भाई यही वाली ट्रेन है और इतना अच्छा सफ़र रहा कि अब मन कर रहा है ना कि कभी ट्रेन से तो दिल्ली आना ही नहीं है बिना रिजर्वेशन के। वो भी मतलब रिजर्वेशन से तो आना है बट बिना रिजर्वेशन के नहीं आना है, तो ये कंडीशन हुई है भाई मुझे तो ये तो ये अच्छा रहा ना, चेकिंग वगैरह नहीं हुई, स्लीपर वाले में बैठ गया है तो चेकिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी ये देख लो भाई यहाँ का क्राउड देख लो, देख रहे हो कितनी सारी भीड़ है भाई, पूरी ट्रेन यहीं पे खाली हो रही है दिल्ली में ही। बाकी भाई ये देख लो, ये है दिल्ली जंक्शन, कितना बड़ा है भाई, जितना ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, इसमें सब में केवल पटरियाँ ही बिछी हुई हैं। इस वाली ट्रेन से तो अभी हम उतरे हैं, एक ये है और भाई उस साइड भी पटरियाँ पड़ी हुई हैं, देख रहे हो ना, तीन तीन चार चार पटरियाँ पड़ी हुई हैं एक साथ में। भाई अब मैं आप लोगों को ना एक बार बाहर से दिखाता हूँ दिल्ली जंक्शन कैसा है, भाई मेरे को तो बहुत प्यारा लग रहा है। ये देख लो भाई, ये है दिल्ली जंक्शन, हिंदी इंग्लिश उर्दू तीन भाषाओं में लिखा हुआ है भाई, उर्दू समझ में नहीं आ रही बट लिखा तो दिल्ली गया है ना, कैसे लिखा भाई उर्दू में ही है पक्का। तो भाई ये तीन भाषा ही लिखी आती है, बाकी ये भाई देख लो एक बार, और ये देख रहे हो सुबह हो चुकी है, रात के निकले हुए मतलब कल शाम को निकले थे और अब पहुँचे हैं, बाकी मौसम देख रहे हो अभी सूरज देवता निकल रहे हैं। और ये देख लो ये बहुत प्यारा लगा मेरे को, बाकी ये देखो ऑटो वगैरह के क्राउड केवल स्टेशन के बाहर देख रहे हो, सब टैक्सी ही खड़ी हैं। तो भाई अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और अब घूमना है रूम, थोड़ी देर रेस्ट करना है, नहाना वगैरह है, उसके बाद वीडियो वगैरह शूट करनी है आप लोगों के लिए एक से एक अच्छी, तो फटाफट बस रूम मिल जाए, अभी रूम के लिए चलते हैं और देखते हैं चल के कहाँ पे मिलता है रूम। भाई हम लोग बाहर जा रहे थे ना और इधर से मैंने कहा इधर से आप लोगों को एक बार दिखा दूँ, इधर से देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है, उधर से तो इतना प्यारा नहीं लग रहा बट यहाँ से बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा है और इतने सारे भाई कबूतर बैठे हुए हैं, ये देखो सब कबूतर बैठे हुए हैं लाइन पे, ये देख रहे हो। बाकी इधर से हम लोग जा रहे हैं बाहर जो अपने रूम के लिए जाएंगे, रूम ढूंढेंगे जाके। तो फाइनली भाई रूम मिल चुका है और रूम में आ गए, भाई कितनी देर बाद रूम मिला है भाई, हम लोग 5:30 बजे ट्रेन से उतर चुके थे, उसके बाद में अभी बज रहा है 8, मतलब 2.5 से 3 घंटे हम लोग इधर उधर दौड़ते रहे, मतलब होटल ही नहीं मिल रहा था, एक होटल मिला उसके रेट इतने थे कि सुन के याद ही भाग जाए यार भाई बता नहीं सकते यार रेट हम इतना दे ही नहीं पाते यार, मेरे को बता नहीं सकते, दिन में तो रुकना ही नहीं है, दिन में मेरे को केवल यहाँ पे नहाना है, फ्रेश होना है और उसके बाद निकल जाना है, रात को केवल रुकना है, तो मैं क्यों इतना पैसा वेस्ट करूं। तो भाई मैंने इस चक्कर में मेरे टाइम वेस्ट हो गया थोड़ा, लेकिन रूम ऐसा ढूंढ लो जो अपने बजट में हो और पैसा बर्बाद ना हो। तो भाई रूम मिल चुका है, मैं आप लोगों को रूम दिखाता हूँ एक बार। भाई ये एंट्री गेट है रूम का और भाई ये रूम मिला है, ये देख रहे हो, वो अपना बैग पड़ा, एक बैग ये पड़ा, एक फ़ोन वो पड़ा, हैंकी वो पड़ा, एक फ़ोन वो पड़ा, ये भाई टीवी लगा है चलाने में मस्त है, वो भी चल नहीं रही है, और भाई इधर ये मतलब फ्रेश होने के लिए और नहाने वगैरह के लिए, ठीक है। बाकी अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, बाकी अगले ब्लॉग जो भी आने वाले हैं ना बहुत मस्त आने वाले थे, कोई भी भाई मिस नहीं करना, एक से एक बेस्ट ब्लॉग आने वाले हैं, ठीक है। और अभी रेस्ट करना है थोड़ी देर यार, पूरी रात जागे हुए ना, तो इस वजह से इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं और आने वाले ब्लॉग देखते रहिएगा, बहुत मजा आएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और एक प्यारी सी कमेंट कर दे। बाकी अभी के लिए सभी भाइयों को राम राम, भाई टीवी भी चालू हो गई, ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में एक मजेदार मस्त वीडियो में।